ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस के ठीक सामने हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि एक किसान जो है सड़क हादसे में किसान की मौत हो जाती है। जितने व्यूवर्स हमारे इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी इनसे बात करना चाहेंगे कैसे ये हादसा हुआ। सर, ये एक्चुअली वो काफ़ी दिन से किसान जो थे अमृतसर के रहने वाले थे, मसूर गाँव था उनका, और सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए थे जिनकी बारी बंधी हुई थी, और वो आज सुबह वापसी आ रहे थे तो टोल टैक्स बस्ताड़ा पर एक ट्रक के हादसा हुआ। पीछे से ट्रक ने आके टक्कर मारी जिसमें करीबन 10 के करीब किसान थे और उनमें से कुछ किसान नीचे गिरे, लेकिन ये जो किसान भाई है जब नीचे गया ट्रक ऊपर से निकल गया, इनकी मौके पर ही मौत होगी। और आप इसमें हॉस्पिटल में लेके आए हैं और यहाँ इनका पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम के बाद अब ले जाया जाएगा। उनका परिवार आ रहा है पीछे से, उन्हें कन्फर्म कर दिया गया, लेकिन हमारा किसान भाई शहीद हुआ है, हमारे दिल से श्रद्धांजलि और हमेशा हम शहीद का दर्जा देंगे। तो कहाँ से ये आ रहे थे, कहाँ की ओर जा रहे थे? दिल्ली ट्रॉली पर थे ये? हाँ जी, ट्रॉली ट्रैक्टर पर थे और दिल्ली से आ रहे थे और दिल्ली से अमृतसर वापस जा रहे थे अपने घर के लिए। तो उसके बाद ये किसी और टीम की बारी थी तो वहाँ पहुँच रहे, तो अचानक ये हादसा हो गया। जो हमारे कितने लोगों को चोट, ये करीबन 5-6 लोगों को चोट आई है जिसमें एक शहीद हो गया, 5 के करीब को चोट आई। सिंघू बॉर्डर पे रह रहे थे? हाँ जी, सिंघू बॉर्डर पे रह गया, सिंघू बॉर्डर से हाँ जी सेवा भी कर रहे थे, किसानी आंदोलन भी लड़ रहे थे और क्या नाम लेते वापस अपने घर के लिए जा रहे थे। उनका नाम कुलवंत सिंह है, मसूर गाँव के रहने वाले हैं अमृतसर के। तो अभी ये वापसी घर पहुंच रही है, करीबन 55 का साल। तो हादसा कहाँ हुआ था ये? ग्रोंडा टोल टैक्स पे। कितने बजे हुआ है ये? सुबह 5 बजे। तो ट्रक चालक फरार है? हाँ जी, ट्रक चालक फरार है। अभी पुलिस प्रशासन अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पकड़ा भी जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं अभी पहुँच रहे हैं उनके परिवार से, उन्हें कन्फर्म कर दिया गया है, लेकिन बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ से। और भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? ये सुबह ट्रॉली जल्दी चली थी दिल्ली सिंघू बॉर्डर से, जो अपना आंदोलन चल रहा पंजाब के लिए, अमृतसर जिले के ये किसान थे, और जैसे सुबह 5:30 बजे के करीब ग्रोंडा पार करके टोल टैक्स के नज़दीक लगे तो वहाँ पर एक अज्ञात ट्रक ने पीछे से इनको टक्कर लगा दी, और टक्कर लगाने को लेकर इसमें से 4-5 किसान उसमें नीचे गिर गए, उनको चोट आई और एक किसान मौके पर उनकी डेथ होगी, वो शहीद हो गया। तो वहाँ पर जो हमारे किसान रहते हैं टोल पर, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, हमें इन्फॉर्म किया, जो हमारे सीनियर हैं जगदीप बोलक जी वो वहाँ पर पहुँच गए और घायलों को ग्रोंडा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जो शहीद हो गया किसान उसको यहाँ पर लेके आए हैं, उसका पोस्टमार्टम चलेगा, उनके परिवार को सूचित कर दिया, उसके परिवार के लोग भी। तो लगता है शहादत का दर्जा देना चाहिए सर? बिल्कुल देना चाहिए, सरकार देना दें, पर जो हमारी जत्थेबंदियाँ, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, वो शहीद का दर्जा इसको देगा। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? करीब 3-4 लोग घायल हुए हैं। वो ठीक है, कुछ खास ज़्यादा चोट नहीं है, ठीक है। उम्र है सबकी तकरीबन? देखिए इसके बारे में तो हमारे सीनियर हैं जगदीप बोलक जी, आगे आप उनसे कन्फर्म करें, वो भी आपको इसके बारे में बता देंगे। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि एक किसान की मौत हो जाती है, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किसान की मौत हो जाती है। जगदीप बोलक हमारे साथ जुड़े हैं, बात करना चाहिए। 5:30 बजे हादसा हुआ है, मेरे पास 6:45 बजे फ़ोन आता है। एक तो ये जो जथेबंदी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से बिलोंग करते हैं, उनके प्रधान जी का फ़ोन आता है। इसके अलावा एक दो फ़ोन और अमृतसर से भी आते हैं भी इस प्रकार से हादसा हो गया और ग्रोंडा जीटी रोड पर हो गया है। तो 6 बजे के मैं करीब पहुँचा हूँ वहाँ पर। ये 5:30 बजे हादसा इस वजह से हुआ, ये ट्रॉली पर आ रहे थे, किसी वजह से ट्रॉली जंप कर गई, ये भाई पिछली तरफ सोए हुए थे, ये दो किसान साथी जीटी रोड पर गिर गए। इनमें से जो एक कुलवंत सिंह था जिसकी हादसे में शहादत हो गई है, मौत जिनकी डेथ हुई है, तो वो जैसे जीट रोड पर गिरे पीछे से कोई व्हीकल आ रहा था ज्ञात, वो इनके ऊपर से निकल गया और उसने इनको कुचल दिया। और जो दूसरा किसान साथी था वो दूसरी साइड में गिरा, वो बच गया क्योंकि पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा था, उसको चोटें कम थी, उसको ग्रोंडा फिर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पर उनका जो जरूरी ट्रीटमेंट था वो करके वो अब उनको अमृतसर। ट्रॉली ने जंप किया या पीछे से टक्कर मारी गई? देखो जो ये किसान साथी है सो रहे थे, ट्रैक्टर आगे चला रहा था, तो जो भी हुआ एकदम झटका हा लगा है, और ड्राइवर को भी नहीं पता लगा भी मेरे पीछे दो किसान गिर गए हैं। फिर जो दूसरे लोग ट्राली में थे उन्होंने उनको शोर मचाया भी हमारे साथी गिर गए हैं, तो फिर उन्होंने ट्राली रोकी है, फिर देखा है जाके भाई ये हादसा हो गया हमारे साथ, उसके बाद पहुंचे हैं, पुलिस को बुलाया गया है, फिर उसके बाद जो मौके पर ही डेथ हो चुकी थी और उनको फिर यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके आया है। परिवार अब कुछ ही देर में पहुंच रहा है, आधे घंटे तक पहुंच जाएगा, और जो भी यहाँ की कार्रवाई थी
करनाल के अपने साथियों को फ़ोन कर दिया था जब यहाँ पर बॉडी पहुँच गई, क्योंकि कुछ कार्रवाई कागजी कार्रवाई थी जो गरौंडा थाने में होनी थी, ASI मनजीत सिंह द्वारा होनी थी, तो वो करवाई है। अब जो करनाल के हमारे साथी थे वो तब से यही है, जब से बॉडी आई हुई है, तो यहाँ पर ये अमृतसर जिले से रहने वाले थे और कुलवंत सिंह इनका नाम था, तो इनकी अब पोस्टमार्टम करा के इनकी बॉडी को रवाना किया जाएगा। सुबह 5:30 बजे का, 5:30 बजे हुआ था। कितने लोग जख्मी हुए इस पूरे हादसे? इसमें 2 साथी ट्रॉली से नीचे गिर गए हैं जब ये झटका लगा है, उसमें कुलवंत सिंह की तो मौके पर ही डेथ होगी, और जो दूसरा साथी था गुरमुख सिंह वो बाई चांस बच गए, क्योंकि इनके ऊपर से एक व्हीकल निकल गया अज्ञात जिसने इनको कुचल दिया है, और उसके बाद यह हादसा हुआ, इनकी मौके पर ही वहाँ पर मौत हो गई है। और उसके बाद फिर मैं, मेरे को 6:45 बजे फ़ोन आया, 5:30 हादसा है, 6 बजे मैं भी पहुँच गया हूँ, पुलिस आ गई है गरौंडा थाने की। फिर उसके बाद इस बॉडी को एम्बुलेंस से यहाँ पहुँचाया गया, फिर करनाल हमारे यूनियन के जितने साथी हैं वो सारे फिर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको फ़ोन कर दिए थे भी ऐसे ऐसे हादसा हो गया, घायल साथी गरौंडा के हॉस्पिटल में, तो उसको चोटें कम थी, उसका वहाँ ट्रीटमेंट करा के उनको अमृतसर के लिए रवाना कर दिया। अब परिवार कुछ देर में आ रहा है, सारे कागज़ तैयार हो गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, जो पुलिस की कार्रवाई थी वो तैयार हो गई है, अब उनका पोस्टमार्टम करा के और परिवार को डेड बॉडी देकर। अमृतसर में कहाँ रहते थे? अमृतसर में एक मेहता चौक एरिया पड़ता है, मेहता चौक थाने के अंतर्गत इनका गाँव है, गाँव का नाम है महसमपुर, वहाँ से इसी गांव की ट्राली थी, उस ट्राली में 11 लोग थे, और इनका क्या है, इस जथेबंदी की 10-10 दिन ड्यूटी लगती है, अच्छा, सिंगू बॉर्डर पे 10 दिन जब ये ड्यूटी पूरी करके तो फिर ये चले जाते हैं और नया जत्था चला जाता है। हाँ। ये वापसी कर रहे थे, इनके 10 दिन की ड्यूटी पूरी हो गई थी, अच्छा। ये वहाँ से रात चले हैं 2 बजे, तो करीब 5:30 बजे गरौंडा फ्लाई ओवर के ऊपर हादसा होता है, और ये वापस जा रहे थे, और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो पंजाब की एक बड़ी जथेबंदी है उसके ये लोग थे, और बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि इस प्रकार से 600 के करीब पहले हमारे किसान जा चुके हैं, तो ये भाई और हमारा उसमें कुछ मुआवजे की मांग करते हैं। देखो, पंजाब सरकार वहाँ पर कुछ कर रही है मदद, सरकारी नौकरी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, मेरे इनके नेताओं से बात हुई है, ये पंजाब का इशू है जो, क्योंकि किसान पंजाब से रहने वाला था, पंजाब सरकार इनके लिए कर भी रही है, तो वो वहाँ की जथेबंदियाँ देखेंगी। हमारा फर्ज ये बनता था करनाल को, जो हमारे पास फ़ोन आया भाई, इन भाइयों की यहाँ पर किसी तरीके की जो हादसा हो गया उसमें जो मदद हम कर सकते थे, हमारे सारे साथियों ने किया, करनाल शहर वाले साथियों ने भी पहुँचे हैं, हमने भी अब कुछ ही देर में पोस्टमार्टम करा के इनका जो बॉडी है उसको इनके गाँव अमृतसर के लिए, उसका कुछ पता नहीं लग पाया जी, वो पीछे से लगा के जब इनको, असल में ये लोग सो रहे थे, सुबह नींद का टाइम था, सिर्फ इनका जो ड्राइवर था जो ट्रैक्टर चला रहा था वही जाग रहा था, और उस दौरान ये हादसा हुआ है, और उसका कुछ पता नहीं लग पाया वो किस स्पीड की वजह से हादसा हुआ है। देखो, हाँ, जो हाँ अज्ञात वाहन के खाने सारी कार्रवाई हो गई है, और गरौंडा थाने ने कार्रवाई की। ट्रॉली में कुछ लोड था सर? ट्रॉली में कोई लोड नहीं था जी, ट्रॉलियां ही आने जाने के लिए यूज करते हैं, गद्दे लगाए होते हैं अपनी ट्रॉलियों में, सामान वगैरह कुछ नहीं, बस बैग बुक ही होते हैं या थोड़ा बहुत कोई खाने का सामान होता है, ट्रालियां तो ये अपने व्हीकल के तौर पे यूज करते हैं। मैं प्रॉपर ही पता नहीं कितने पर छोटा ही किसान था, हाँ ये सारे एक ही गाँव से थे, मैं ये मेहता चौक थाने के अंडर गाँव अमृतसर जिले में पड़ता है महसमपुर, वहाँ से थे, ये गुरमुख सिंह जो हुआ है इसमें घायल, उसको गरौंडा में ट्रीटमेंट देके उसकी हालात ठीक है, कुछ ज़्यादा चोट नहीं थी, उनका बचाव है, उनको अमृतसर रवाना कर दिया, गाड़ी पर भेज दिया है, और परिवार के अब उनका लड़का और कुछ परिवार के और मेंबर जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करा के बॉडी को। तो बेहद ही दुखद समाचार इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, हरियाणा के करनाल जिले के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से जो किसान हैं सिंगू बॉर्डर से अपनी ड्यूटी खत्म करके, क्योंकि 10-10 दिन की ड्यूटी होती है, अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर की ओर लौट रहे थे, यानी कि अमृतसर की ओर लौट रहे थे, लेकिन अचानक से सड़क हादसा हो जाता है, और इस सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो जाती है, जिसका नाम कुलवंत बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें, अपडेट आपको देते रहेंगे।